उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी उम्मीद अब ऑगर मशीन है। ऑगर मशीन की ड्रिलिंग में सफलता मिली, ऑगर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई। अब तक ऑगर मशीन से 27 मीटर ड्रिलिंग करके 800 mm का पाइप टनल में डाला जा चुका है। इस दौरान महमूद अहमद ने कहा कि सिलक्यारा टनल में बचाव ऑपरेशन तेजी से संचालित किया जा रहा है, साथ ही 6 इंच की पाइपलाइन के माध्यम से खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। टनल में फंसे लोगों के पास 2 किलोमीटर का सेफ एरिया मौजूद है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। सारे 5-6 एजेंसीज को इकट्ठा किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हर एजेंसी को हमने स्पेसिफिक टास्क दिया है, किसी से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा रहे हैं, किसी से वर्टिकल ड्रिलिंग करा रहे हैं, और इन सब एजेंसीज के बीच में तालमेल रहे वो हम लगातार, हमारी टीम वहाँ यहाँ बैठ कर उसको मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। और जितने हमारे आर्मी के, PRO के और अन्य से एजेंसीज हैं जिनसे हम मैप का, अदर रिसोर्सेज का ले सकते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन वो हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है, लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ़ कर लिया। दूसरी चीज़ जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी, तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, आज हमने उनको डिमांड आई है।